नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विनोद और आज की इस वीडियो में हम जानेंगे एमएस वर्ड के इंसर्ट टैब के चार्ट ऑप्शन के बारे में। आप देखेंगे इसमें आपको काफ़ी सारी कैटेगरीज नज़र आ रही हैं, जिसमें आप काफ़ी सारे टेम्पलेट्स यहां पर देख सकते हैं। इनका यूज़ करके आप किसी भी तरीके का पाई चार्ट क्रिएट कर सकते हैं या चार्ट क्रिएट कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कॉलम्स की। अगर आप कॉलम वाइज कोई डेटा तैयार करना चाहते हैं, यानी कॉलम वाइज कोई चार्ट तैयार करना चाहते हैं, तो आप यहाँ से क्लिक करके आप कॉलम वाइज कोई भी डाटा यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद अगर आप देखेंगे लाइन, तो यहाँ पर लाइन वाइज आप कोई भी चार्ट क्रिएट करना चाहें तो लाइन वाइज कोई भी चार्ट क्रिएट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप देखेंगे पाई चार्ट, तो आप यहाँ पे पाई चार्ट क्रिएट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप देखेंगे यहाँ पर बार, तो बार वाइज आप कोई भी चार्ट यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। और इसके बाद आप देखेंगे एरिया, अगर आपको कोई एरिया रिप्रेजेंट कराना है तो आप एरिया को इस तरीके के ग्राफ में यहाँ पे रिप्रेजेंट करा सकते हैं। इसके अलावा आप देखेंगे यहाँ पर स्कैटर चार्ट के हिसाब से यहाँ पर डाटा को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसके बाद आप देखेंगे मैप, तो मैप में आप देखेंगे आपके सामने एक वर्ल्ड वाइड वेब का पूरा स्ट्रक्चर यहाँ पे दिखाई देगा। इसके वाइज अगर आप कोई डेटा रिप्रेजेंट करना चाहते हैं वर्ल्ड वाइड वेब का, तो आप इस चार्ट का यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर स्टॉक, अगर आप कोई स्टॉक मैनेजमेंट दिखाना चाहते हैं तो यहाँ से स्टॉक का चार्ट यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आप यहाँ पर देखेंगे अगर आप कोई सरफेस दिखाना चाहते हैं, तो यहाँ से आप सरफेस के लिए आप इस चार्ट का यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर रेडार, तो यहाँ से अगर आप कोई रेडार को दिखाना चाहते हैं तो रेडार का चार्ट आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर आपके सामने ट्री मैप आएगा, तो ट्री मैप को भी आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर सनबर्स्ट, तो सनबर्स्ट के हिसाब से आप कोई भी चार्ट यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। आप देखेंगे यहाँ पर नीचे इंस्टाग्राम है, तो इंस्टाग्राम के हिसाब से कोई चार्ट यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर बॉक्स एंड विस्कर है, तो आप इसके हिसाब से भी कोई चार्ट यहाँ पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वाटरफॉल अगर आपको दिखाना है, तो वाटरफॉल के हिसाब से आप यहाँ पर चार्ट का यूज़ कर सकते हैं। इंक्रीज या डिक्रीज आप यहाँ पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप फनल का यूज़ करना चाहें, तो यहाँ पर फनल का भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप दो तीन चार्ट को मिक्स करना चाहें, तो आप सबसे लास्ट में देखेंगे कॉम्बो का एक ऑप्शन आपको दिखाई देगा, जिसमें आप दो तीन चार्ट्स को मिक्स करके कोई भी चार्ट क्रिएट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखेंगे सीरीज़ वन पे जैसे आप क्लिक करेंगे, तो आपको यहाँ पर कोई भी कॉलम वाइज या बार वाइज कोई भी चार्ट यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मान लीजिए हम यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं लाइन वाइज चार्ट को सेलेक्ट करने के बाद सीरीज सेकेंड के अंदर आप क्लिक करके यहाँ से आप किसी भी चार्ट को सेलेक्ट कर सकते हैं। मान लीजिए इसमें मैंने ले लिया यहाँ पर कॉलम वाइज, और थर्ड वाले में हम यहाँ से कोई भी चार्ट क्रिएट कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमने ये वाली लाइनिंग्स वाला चार्ट ले लिया, और उसके बाद आप जिसको रिप्रेजेंट करना चाहते हैं उस सेकेंडरी एक्सेस पर आप जैसे ओके करेंगे, तो वो चार्ट आपको यहाँ पे दिखाई दे जाएगा बिल्कुल इस तरीके से। तो इस तरीके से आप किसी भी चार्ट का कॉम्बिनेशन यहाँ पर करके कोई कस्टम टेम्पलेट बनाना चाहें, तो कस्टम टेम्पलेट भी आप यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। तो ये सारे ऑप्शंस हैं जो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप इन चार्ट का किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले एग्जांपल के लिए हम यहाँ पर ले लेते हैं कॉलम का कोई भी एक चार्ट, और यहाँ पर आपको काफ़ी सारे ऑप्शन दिखाई देंगे, जिसमें से आप कोई भी कॉलम का कोई भी ग्राफ सेलेक्ट कर सकते हैं। तो फिलहाल मान लीजिए हमने फर्स्ट वाला ही सेलेक्ट किया, और यहाँ पर हमने कर दिया इसे ओके। जैसे हम यहाँ पर ओके प्रेस करेंगे, तो आप देखेंगे यहाँ पर आपके सामने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल यहाँ पर रिप्रेजेंट हो जाएगा, और आप देखेंगे इस एक्सेल में आपको यहाँ पर एक टेबल दिखाई देगी, और उसी टेबल के निर्धारित यहाँ पर आपको चार्ट दिखाई देगा। तो आप इसके ऊपर जो भी चेंजेस करेंगे, वो आपके ग्राफ के ऊपर यहाँ पर इसका इफेक्ट नज़र आएगा। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर सीरीज़ को चेंज करते हैं, तो सीरीज़ की जगह हम ले लेते हैं यहाँ पर हिंदी, और यहाँ पर हिंदी के बाद हम यहाँ पर सीरीज़ टू में यहाँ पर ले लेते हैं इंग्लिश, और यहाँ पर ले लेते हैं पॉलिटिकल। तो जैसे हमने यहाँ पर सब्जेक्ट डाले, आप देखेंगे यहाँ पर सब्जेक्ट आपका चेंज हो चुका है। तो सब्जेक्ट को देखने के लिए आप यहाँ पर देखिए हिंदी, इंग्लिश और पॉलिटिकल के तीनों कलर्स यहाँ पे रिप्रेजेंट हो चुके हैं। इसके अलावा अगर आप कैटेगरीज को चेंज करना चाहें, तो यहाँ कैटेगरी चेंज कर सकते हैं। जैसे मैंने डाल दिया यहाँ पर अमन, और यहाँ पे डाल दिया मैंने कमल, और यहाँ पे डाल दिया मैंने दीपक, और यहाँ पे डाल दिया मैंने आदित्य। तो जैसे मैंने यहाँ पर नाम चेंज कर दिया कैटेगरी का, तो आप देखेंगे यहाँ पर अमन, कमल, दीपक और आदित्य आपके सामने रिप्रेजेंट हो जाएगा। और जब भी आप इस वैल्यू के अंदर जो भी चेंजेस करेंगे, उसका इफेक्ट आपके इस चार्ट के ऊपर आपको दिखाई देगा। तो चलिए इसको मैं करके दिखाता हूँ आपको। जैसे मान लीजिए यहाँ पर अभी 4.3 है, तो मैंने यहाँ पर ले लिया 69, और जैसे ही मैं एंटर प्रेस करूँगा, तो आप देखेंगे हमारा ग्राफ उसी के हिसाब से एडजस्ट हो गया। यानी अमन का हिंदी में 69 मार्क्स हो गया, और इसके बाद इंग्लिश में मैंने मान लीजिए इनका कर दिया 98, तो यहाँ पर आप देखेंगे ग्राफ उसी हिसाब से चल रहा है। और उसी तरीके से अगर पॉलिटिकल में आप चेंज करेंगे, तो मान लीजिए हमने यहाँ पर कर दिया 25, तो आप देखेंगे उसी हिसाब से यहाँ पर ग्राफ अमन का तैयार हो चुका है। इसी तरीके से आप इन सभी का चेंज करके आप अपने हिसाब से ग्राफ को मैनेज कर सकते हैं। तो मान लीजिए मैं इसको फटाफट चेंज कर लेता हूँ। तो इस तरीके से आप कोई भी ग्राफ यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं इसको यहाँ से कट कर देता हूँ। आप देखेंगे हमारा ग्राफ यहाँ पर क्रिएट हो चुका है।
इसके बाद आप देखेंगे आपके सामने यहाँ पर काफ़ी सारे ऑप्शन नज़र आएंगे, तो हम सभी ऑप्शन को एक एक करके यूज़ करते हैं। सबसे पहले ऑप्शन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप देखेंगे आपके सामने ऐड चार्ट एलिमेंट का ऑप्शन है, और यहाँ पर आपको काफ़ी सारे ग्राफ्स के स्टाइल्स नज़र आएंगे, जिसमें से आप वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, आप प्राइमरी, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल अपने हिसाब से डेटा को मैनेज कर सकते हैं। मान लीजिए आप यहाँ पर काफ़ी सारे आपको बेस दिखाई देंगे जिसके हिसाब से आप अपने डेटा को एडजस्ट कर सकते हैं। तो ग्रिड लाइंस के थ्रू आप दिखाना चाहें तो ग्रिड लाइंस के थ्रू भी आप यहाँ पे दिखा सकते हैं। आप एक्सेस के थ्रू दिखाना चाहें तो यहाँ पे एक्सेस के थ्रू दिखा सकते हैं। एक्सेल टाइटल के थ्रू दिखाना चाहें तो एक्सेस टाइटल के थ्रू भी दिखा सकते हैं। चार्ट के माध्यम से दिखाना चाहें तो चार्ट के माध्यम से भी आप अपने हिसाब से जो भी डेटा यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे उसके हिसाब से आप यहाँ। इसके बाद अगर हम बात करें लेआउट्स की, तो अगर आप चाहें तो आप अपने चार्ट का लेआउट यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। बहुत सारे आपको लेआउट्स मिलेंगे, इसमें से कोई भी लेआउट यहाँ पे सेलेक्ट करके आप अपने चार्ट को थोड़ा सा अट्रैक्टिव बना सकते हैं। इसके अलावा अगर आप इसका कलर चेंज करना चाहें तो यहाँ पर आपको कलर्स दिखाई देंगे, बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स के आपको कलर मिलेंगे, जिसमें से आप किसी भी कलर को सिलेक्ट करके आप अपने डेटा के टेबल के कलर को यहाँ पे मैनेज कर सकते हैं। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर आपके सामने थीम का ऑप्शन है, इसमें से बहुत सारी थीम्स आपको नजर आएंगी, इसमें से किसी भी थीम को आप सिलेक्ट करके आप अपने हिसाब से डेटा को एडजस्ट कर सकते हैं। मान लीजिए हमने इस वाली थीम को यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया है, और इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर आपके सामने एक ऑप्शन आएगा सेलेक्ट डेटा का। सेलेक्ट डेटा पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो वापस से आपकी जो एक्सेल शीट थी वो फिर से ओपन हो जाएगी, और यहाँ से अगर आप चाहें तो अपने डेटा के रेंज को यहाँ पे एक्सपेंड कर सकते हैं। मान लीजिए अभी आपने जो सब्जेक्ट लिए हैं हिंदी, इंग्लिश, पॉलिटिकल का लिया है, अगर आप अपने एरिया को बढ़ाना चाहते हैं यानी डेटा और भी ऐड करना चाहते हैं तो आप यहाँ से एरिया को एक्सपेंड कर सकते हैं, और आप देखेंगे यहाँ पर आपके पास वही सीरीज़ यहाँ पे ऐड हो जाएंगी। तो इस तरीके से आप अपने डेटा को एक्सपेंड कर सकते हैं। हम वापस से सेलेक्ट डेटा पर क्लिक करते हैं, और अब आप देखेंगे यहाँ पर एक और ऑप्शन आपको दिखाई देगा स्विच रो और कॉलम्स का। अगर जैसे मान लीजिए अभी अमन, कमल, दीपक, आदित्य का जो डेटा है वो आपको इस तरीके से दिखाई दे रहा है, और अगर आप चाहते हैं कि भाई इनका डेटा जो है वो स्विच हो जाए, यानी कि जैसे हम यहाँ पर स्विच कॉलम पर क्लिक करेंगे आप देखेंगे जो पर्सन का नेम का डेटा था वो इधर शिफ्ट हो गया और उनके मार्क्स का डेटा यहाँ पर शिफ्ट हो गया। ऐसे जैसे आप ओके प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे आपका डेटा यहाँ पर एडजस्ट हो गया उसी हिसाब से। आप देखेंगे यहाँ पर हिंदी का मार्क्स आ गया, इंग्लिश का मार्क्स आ गया, पॉलिटिकल आ गया, नाम की जगह पर यहाँ पर क्या आ गया, आपके सब्जेक्ट के मार्क्स आ गए। तो इस तरीके से आप अपने डेटा को स्विच कर सकते हैं। वापस से आप देखेंगे यहाँ पर आपके सामने एक और ऑप्शन आपको दिखाई देगा स्विच रो कॉलम का। आप चाहें तो यहाँ से भी अपने डेटा को स्विच कर सकते हैं। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपका डेटा वापस से यहाँ पर स्विच हो जाएगा। आप देखेंगे वापस से आपका यहाँ पर स्टूडेंट्स का नेम यहाँ पर रिप्रेजेंट हो जाएगा और आपके हिंदी, इंग्लिश, पॉलिटिकल का जो मार्क्स था वो यहाँ पर रिप्रेजेंट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप स्विच कर सकते हैं अपने डेटा को। इसके अलावा अगर आप डेटा में एडिटिंग करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपके सामने एडिटिंग का भी आपको ऑप्शन दिखाई देगा। आप एडिटिंग पर जैसे क्लिक करेंगे, एडिट डेटा पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे आपके सामने यहाँ पर एडिट डेटा का ऑप्शन आ जाएगा। आप इसमें जो भी डेटा एडिट करना चाहें, मान लीजिए आप किसी मार्क्स को चेंज करना चाहें तो यहाँ से चेंज करके जैसे एंटर प्रेस करेंगे आप देखेंगे आपके चार्ट में वो चेंज हो जाएगा। तो इस तरीके से इस ऑप्शन का भी आप यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आप देखेंगे आपके सामने एक ऑप्शन आएगा रिफ्रेश डेटा का। रिफ्रेश डेटा तो आपका तब यूज़ होगा जब आप मान लीजिए आपने कोई चेंजेस की और यहाँ पर वो रिप्रेजेंट नहीं हो रही है, तो जैसे ही आप रिफ्रेश डेटा पर क्लिक करेंगे तो आपने जो चेंजेस की थी वो यहाँ पे अपडेट हो जाएगी। इसके बाद सेलेक्ट डेटा में कुछ ऑप्शंस और भी हैं, मैं उसके बारे में भी आपको क्लियर कर देता हूँ। जैसे मान लीजिए अगर आप यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा कैटेगरी ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन है ऐड का। ऐड पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप अपनी कैटेगरी का नाम ऐड कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए अभी फिलहाल हमारे पास हिंदी, इंग्लिश, पॉलिटिकल है, और मैं यहाँ पर एक ऐड करता हूँ कैटेगरी ज्योग्राफी। ज्योग्राफी को ऐड करने के बाद जैसे मैं यहाँ पर ओके प्रेस करूँगा तो आप देखेंगे हमारा जो कैटेगरी थी वो यहाँ पर ऐड हो गई ज्योग्राफी के नाम से। और यहाँ पर भी अगर आप इसमें एडिटिंग करना चाहें तो यहाँ पर एडिट पे क्लिक करके आप उसके अंदर एडिटिंग कर सकते हैं। इसके अलावा आपको दिखाई देगा रिमूव कैटेगरी का, तो आप चाहें तो यहाँ से कैटेगरी को रिमूव भी कर सकते हैं। अब आपको मैं दिखाऊँ यहाँ पर जैसे हम देखेंगे नीचे की तरफ, इसको ओके करके मैं नीचे आ जाता हूँ तो आप देखेंगे यहाँ पर हमारे सामने एक और कैटेगरी यहाँ पर ऐड हो चुकी है ज्योग्राफी के नाम से। और इसके बाद उस डेटा में जो भी मैं एडिटिंग करूँगा, मान लीजिए मैंने यहाँ पर एक कैटेगरी ऐड करी ज्योग्राफी के नाम से इस टेबल के अंदर, और यहाँ पर मैं जो भी डेटा ऐड करूँगा वो डेटा यहाँ पर हमारे सामने रिप्रेजेंट होना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा हम वापस से इसी डेटा पर क्लिक करते हैं, और वापस से इसी डेटा को अगर आपको डिलीट करना है तो ज्योग्राफी को सिलेक्ट करके आप जैसे यहाँ पर रिमूव करेंगे तो आप इसे रिमूव कर सकते हैं। अगर आप इसमें एडिटिंग करना चाहें तो यहाँ पर क्लिक करके आप इसमें एडिटिंग भी कर सकते हैं। तो फिलहाल हम इसको यहाँ पर सिलेक्ट करके यहाँ से रिमूव कर देते हैं। इसी तरीके से आप देखेंगे आपके यहाँ पर पर्सन का नेम अगर आप ऐड करना चाहें तो यहाँ पर आप पर्सन का नाम भी ऐड कर सकते हैं, या फिर आप एडिट पर क्लिक करके यहाँ पर अपनी रेंज को एक्सपेंड कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए अभी यहाँ पर रेंज जो है हमारी वो सिर्फ इतनी आ रही है, अगर आप चाहें तो यहाँ से रेंज को एक्सपेंड कर सकते हैं। जैसे आप रेंज को एक्सपेंड करेंगे और यहाँ पर ओके प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे हमारा जो रेंज था वो यहाँ पर एक्सपेंड हो जाएगा, और अपने डेटा में यहाँ पर हम नीचे जो भी टाइप करेंगे वो यहाँ पर ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएगा।
तो इस तरीके से आप इस डेटा को भी यूज़ कर सकते हैं इस तरीके से एक्सचेंज करने के लिए। फिलहाल हम इसको कैंसिल करते हैं और इसको भी हम यहाँ से कैंसिल कर देते हैं। इसके बाद आप देखेंगे आपके सामने यहाँ पर एक ऑप्शन आएगा चेंज चार्ट टाइप का। इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर काफ़ी सारे ऑप्शन नज़र आएंगे जिसमें से आप अपने चार्ट के टाइप को चेंज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं अभी चाहता हूँ कि ये लाइन वाइज हमें रिप्रेजेंट हो तो लाइन वाइज चार्ट को यहाँ पे सेट कर सकता हूँ। उसके बाद यहाँ से आप इसके काफ़ी सारे स्टाइल्स आपको दिखाई देंगे जिसमें से आप किसी भी स्टाइल को सिलेक्ट करके यहाँ जैसे ही ओके प्रेस करेंगे तो आपका जो डेटा था वो आप देखेंगे उस स्टाइल में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी उस पाई चार्ट के ग्राफ में कन्वर्ट हो जाएगा। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर एलिमेंट्स के वही ऑप्शन आपको रिप्रेजेंट करेंगे जो ऑप्शन हमने यहाँ से पहले से सेलेक्ट कर रखा है। तो इस तरीके से आप अपने डेटा को यूज़ कर सकते हैं, इस तरीके से आप अपने पाई चार्ट को यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आप देखेंगे यहाँ पर एक और ऑप्शन आपको दिखाई देगा प्लस आइकन का। इस प्लस आइकन पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये बेसिकली आप यहाँ पर जिस भी डेटा को रिप्रेजेंट करना चाहें उस डेटा को यहाँ पर जैसे ही टिक करेंगे तो वो डेटा आपका यहाँ पर रिप्रेजेंट हो जाएगा। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर चाहते हैं कि मुझे डाटा टेबल यहाँ पर दिखाई दे, तो जैसे ही मैंने इस चेकबॉक्स पर क्लिक किया तो आप देखेंगे हमारा डाटा टेबल यहाँ पर रिप्रेजेंट हो गया। आप चाहते हैं लेबल्स दिखाई दे, जैसे आप लेबल्स पर क्लिक करेंगे तो आपके यहाँ लेबल्स दिखाई देने लग गए। अगर आप टाइटल पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर आपका एक्सेस टाइटल यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है। उसके तरीके से अगर आप एरर्स दिखाना चाहें तो यहाँ पर एरर्स को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं इस तरीके से। इसके अलावा आप यहाँ से अप एंड डाउन करना चाहें तो अप एंड डाउन को भी आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। आप देखेंगे आपका डेटा अप एंड डाउन यहाँ पर रिप्रेजेंट हो रहा है और इसमें बहुत सारे ऑप्शंस आपको मिलेंगे इसका आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आप नेक्स्ट ऑप्शन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको काफ़ी सारे इंटरफेस दिखाई देंगे जिसमें से आप किसी भी इंटरफेस को सिलेक्ट करके अपनी टेबल को थोड़ा सा अट्रैक्टिव यहाँ पे क्रिएट किया जा सकता है। अगर आप कलर्स चेंज करना चाहें तो यहाँ पे कलर्स आपको मिलेंगे, जिस कलर में आप इसे चेंज करना चाहें उस कलर में आप अपने ग्राफ को यहाँ से चेंज कर सकते हैं। तो बहुत सारे आपको ऑप्शंस मिलेंगे इसका आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आप देखेंगे यहाँ पर एक और ऑप्शन आपको दिखाई देगा फिल्टर का। फिल्टर वाले ऑप्शन पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे आपके सामने यहाँ पर फिल्टर के काफ़ी सारे ऑप्शन नज़र आएंगे। जैसे मान लीजिए आप सॉर्टिंग करना चाहते हैं, फिल्टर करना चाहते हैं, तो मान लीजिए हमने हिंदी को सेलेक्ट किया, हिंदी को हटा दिया, हमने यहाँ से इंग्लिश को हटा दिया, पॉलिटिकल को हटा दिया, तो वो सभी ऑब्जेक्ट यहाँ से हट जाएंगे और सिर्फ हमारे सामने वही डेटा रिप्रेजेंट होगा जिसका मैं यहाँ पर चयन करूँगा। मान लीजिए मैंने यहाँ पर सेलेक्ट किया हिंदी को, तो आप देखेंगे हिंदी का डेटा मुझे यहाँ पर सिर्फ दिखाई दे रहा है। अगर मैं हिंदी को हटा के यहाँ से पॉलिटिकल लेता हूँ तो आप देखेंगे पॉलिटिकल का डेटा मुझे दिखाई दे रहा है। और अगर यहाँ पे हम इंग्लिश का डेटा सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे इंग्लिश का डेटा मुझे दिखाई दे रहा है, इंग्लिश का ग्राफ मुझे रिप्रेजेंट हो रहा है। और इसी तरीके से आप पॉलिटिकल देख सकते हैं, ज्योग्राफी देख सकते हैं। कैटेगरी के हिसाब से अगर आप सॉर्टिंग करना चाहें तो यहाँ से कैटेगरी के हिसाब से भी सॉर्टिंग कर सकते हैं। फिलहाल हम इसको सेलेक्ट ऑल कर लेते हैं और यहाँ से कैटेगरी को हम हटा करके जिस भी कैटेगरी को सेलेक्ट करेंगे सिर्फ उसी कैटेगरी का यहाँ पर आपको चार्ट दिखाई देगा। मान लीजिए अमन पे मैंने क्लिक किया तो अमन का कितना ग्राफ है वो आप देख सकते हैं, यहाँ पर रिप्रेजेंट हो रहा है आपके सामने। अमन के अलावा अगर आप कमल पर क्लिक करेंगे तो कमल का भी आप डेटा देख सकते हैं कहाँ से कहाँ तक रिप्रेजेंट हो रहा है। इसी तरीके से दीपक और आदित्य को भी आप यहाँ पर फिल्टर कर सकते हैं। यानी आप सिंपली उस चीज़ को सिलेक्ट करके जैसे यहाँ पर अप्लाई पे क्लिक करेंगे तो वो ग्राफ यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। अगर आप सिलेक्ट ऑल पे क्लिक करके अप्लाई करेंगे तो यहाँ से सिलेक्ट ऑल करके आप सभी डेटा को फिल्टर कर सकते हैं। मान लीजिए यहाँ से हिंदी और इंग्लिश को हटा करके मैंने अप्लाई किया तो सिर्फ हिंदी और इंग्लिश का डेटा यहाँ पे आपके सामने अप्लाई हुआ। अगर यहाँ से हमने दोनों को सिलेक्ट करके यहाँ से सिलेक्ट ऑल हटा करके सिर्फ अमन का मुझे डेटा देखना है तो जैसे ही मैं अप्लाई करूँगा तो सिर्फ अमन का डेटा यहाँ पे हमारे सामने रिप्रेजेंट हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे चार्ट्स के ऑप्शंस। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।